गुड इवनिंग, सर मैंने गुड इवनिंग। जो गुड इवनिंग पिछली जो मैंने क्लास आप लोग को जो ली थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था दक्कन शैली। दक्कन शैली के बारे में जो स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ाया था कि दक्कन शैली क्या है, दक्कन शैली में क्या विशेषताएं हैं, खासतौर उसमें क्या क्या उसमें चित्र बनते हैं, उनमें कितने चश्म का प्रयोग हुआ है, उनमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है और विभिन्न बारे में हमें आपको जानकारी दी थी। उसमें फिर मैंने बताया था कि दक्कन शैली जो है यहाँ तीन मुख्य रूप से तीन ऐसे जो क्षेत्र हैं या तीन ऐसे सूबा हैं या तीन ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर दक्कन शैली का विशेष हमें दिखता है। उनमें से मैंने आपको एक बताया था बीजापुर, फिर दूसरी गोलकुंडा और तीसरी अहमदाबाद। आगे पीछे कोई बता सकते, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पहले यही बताना चाहिए या फिर ये बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कि गोलकुंडा के बारे में। आज हम गोलकुंडा और अहमदनगर दोनों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैंने बीजापुर के बारे में बता दिया है, गोलकुंडा और अहमदनगर को पढ़ा देंगे क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी आ गया तो फिर कहोगे अरे सर पढ़ाया नहीं था आपने, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इससे पहले। जबकि मैंने ऑनलाइन में पिछली क्लास में मैंने आप लोग को शायद जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको मैंने नहीं पढ़ाया था। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा जो है ये एक बहमनी राज से ये निकला है, पहले ये बहमनी राज के अधीन था। तो गोलकुंडा जो था ये किसके अधीन था, तो आप कहोगे कि ये एक बहमनी राज के अधीन था, और ये जब बहमनी राज टूटा है तो उससे ये राज्य स्वतंत्र हो गया। और गोलकुंडा जो स्वतंत्र हुआ था ये 1512 ईस्वी में ये क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। जब स्वतंत्र हुआ तो सीधी सी बात है कि यहाँ का कोई संस्थापक होगा, यहाँ कोई वंश चलेगा। तो यहाँ पर ही हमने ये देखा कि एक वंश चला है, एक संस्थापक यहाँ पर हुआ है। तो उस संस्थापक का नाम है, कह सकते हैं यहाँ का जो संस्थापक, मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ का जो संस्थापक है उसका नाम है कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? कुली कुतुब शाह। यहाँ का जो संस्थापक है उसका नाम है कुली कुतुब शाह, ध्यान रखिएगा कुली कुतुब शाह। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ का जो संस्थापक था उसका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह शाह यहाँ का शासक था, और इस शासक जो था इसके नाम से जो यहाँ वंश चला है, तो गोलकुंडा में जो वंश चला है उस वंश का जो नाम है कुतुब शाही वंश, कुतुब शाह से कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश लिख दिया मैंने, कुतुब शाही वंश यहाँ पर वंश था। ये एक शुरुआत में एक प्रारंभ में, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि ये पहले किसी के अधीन था तो इसको अपने आप को स्थापित करने में सीधी सी बात इसको समय लगा होगा। तो इसके बारे में कोई बहुत जो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसने वास्तव में यानी कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा को बनाने में ये एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है, शासक के रूप में आप ले सकते हो रूप में जाना जाता है। क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि किसी के समय हमने ये देखा है कि गोलकुंडा में एक बंदरगाह स्थापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था मछलीपट्टनम। ये गोलकुंडा के मछलीपट्टनम में, कहाँ पर? ये गोलकुंडा के मछलीपट्टनम में स्थापित था, इसलिए इसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, मछलीपट्टनम। तो ध्यान रखिएगा गोलकुंडा का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? मछलीपट्टनम में था। यही वो बंदरगाह है जहां पर अनेक यूरोपी स्पीकर सर रिकॉर्डिंग है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति बोल गया कि सर क्या है,
फिर उसका बंद कर दिया, क्योंकि आवाज रिपीट होती ना तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग जो है जिसको जो पूछना हो खोले तुरंत बंद कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप पूछ सकते हो अपनी बात लेकिन तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक पश्चिम बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था मसूलीपट्टम बंदरगाह। गोलकुंडा एक ऐसा दक्षिण भारत का एक ऐसे समृद्ध एक ऐसा क्षेत्र है जो जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं और गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें तो गरम मसाला जैसी चीजें तो मिलती ही थी, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको यहाँ से हमें कोहिनूर हीरा भी मिला था। तो जिसके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, कोहिनूर हीरा की जो डिटेल में है, अगर आपको कोहिनूर हीरा के बारे में अगर देखना है कि गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा पाया, तो उसके लिए आप जा करके पीछे जा करके डिटेल दे सकते हैं सर, टूर में, है ना? क्या है सर, क्या है? सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर। इसमें सर गोलकुंडा का सर पूनम पहले नाम पूनम, सर हाँ पूनम पूनम, हाँ सर इसमें गोलकुंडा में का जो संस्थापक राजा है वो सर इब्राहिम कुतुब शाह दिखाया गया है सर। सर मेरे पास अविनाश बहादुर वर्मा की बुक है और कला विलास आर्य अग्रवाल है सर, दोनों में सेम दिखाया है। मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, जो वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक मोटा संस्थापक है, मोटा जी जो वास्तविक संस्थापक है वास्तविक उसको संस्थापक मानते है इब्राहिम उसको कुतुब शाह, मानते लेकिन इब्राहिम जो कुतुब शाह, स्टार्टिंग लेकिन जिसने जो किया है स्टार्टिंग जिसने उसका किया है नाम है कुली उसका नाम कुतुब है शाह। क्या कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? कुली नाम है कुतुब कुली शाह। कुली जैसे कुतुब जैसे शाह, अक्सर क्या जैसे होता है अक्सर कि क्या होता है कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री कि में पढ़ते हैं यहाँ कि पर नाम यहाँ दिया पर था, लेकिन नाम वो दिया था गुप्त लेकिन वो काल पढ़ते हैं, गुप्त काल तो पढ़ते गुप्त हैं काल में कि कहते हैं कि यहाँ यहाँ के का संस्थापक संस्थापक कि यहाँ कुली के कुतुब शाह, संस्थापक कुछ तो कुली कहते कुतुब हैं शाह, कुतुब शाह, कुछ लोग कहते चंगुल प्रथम था, क्योंकि लोग जाने कहाँ से, चंगुल प्रथम से जाने। तो उसी तरीके से यहाँ लोग किसके समय जानते हैं, इब्राहिम शाह के समय जानते हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि जो सत्ता जहां से शुरुआत होती है, मैं वहां से बता रहा हूँ, हिस्ट्री के पोर्शन की वजह से। आपने कला के हिसाब से पढ़ा, मैंने इतिहास के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्लियर हो ना मेरी बात को? तो आपको इब्राहिम नहीं लगाना है, आपको लगाना कुली कुतुब शाह, वो गलत हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि हिस्ट्री की सभी किताब में यही दिया हुआ है, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह यहाँ का संस्थापक है, इब्राहिम उसके बाद आएगा। तो कुली कुतुब शाह, पर कुतुब शाह, सर सर एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ सर। कुली कुतुब शाह को इब्राहिम कुतुब शाह का पुत्र बताया गया है सर। वो मोहम्मद कुली शाह है, मोहम्मद कुली शाह है उसका नाम है मोहम्मद उसका नाम है कुली मोहम्मद शाह, कुली शाह, ये नाम, ये नाम मोहम्मद कुली कुतुब मोहम्मद शाह नाम कुली है, कुतुब शाह नाम है, ठीक है ना? जी वो सर, अभी जी सेकंड, सर, वो अभी सेकंड बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ये जी सुनते आई मेरी बात, फिर सुनते मैं आपको आइए बताता हूँ, मेरी फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक जी है सर, पूनम? तो घबराइए नहीं, जो जो सच्चाई हूं मैं वो बताऊंगा, जो किताबों में जहां जहां गलतियां हैं उन गलतियों को मैं हटा के बताऊंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी गलतियों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? और मोहम्मद, अभी इसको मैं बताता हूँ बाद में। तो मैं बात कर रहा था कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पर जो गोलकुंडा में हमें, यहां से हमें ध्यान रखना, यहां से हमें हीरो का बाजार, गोलकुंडा में हीरो का यहाँ पर बाजार दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब है कि अगर हीरे का बाजार है तो बहुत ही समृद्ध होगा, ये सीधी सी बात है ना? तो कुली कुतुब शाह के बाद आता है इब्राहिम कुतुब शाह, ये नाम है, इसके बाद ही आता है इब्राहिम कुतुब शाह। इसके समय वास्तविक रूप से इसी के समय मसूलीपट्टम, ये है मसूलीपट्टम बंदरगाह स्थापित हुआ था ये। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसकी तो डिटेल कहीं मिलती ही नहीं, बस खाली ये मिलता है कि इब्राहिम कुतुब शाह सेकेंड नंबर पे है, इसके पुत्र का नाम है, अब इसके पुत्र का नाम है मोहम्मद, इसके पुत्र का नाम क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये नाम है। अब अगला तीसरे नंबर पे आएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, क्यों? क्योंकि जो आपको जानना है वास्तविक रूप जानिए, संस्थापक कुली कुतुब शाह, उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये शासक हुआ। इसके समय इसने हैदराबाद, इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की। क्या किया इसने?
किसने हैदराबाद नगर की स्थापना की? तो ध्यान रखना, इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की और इसी हैदराबाद में ही इसी हैदराबाद को ही अपनी पत्नी जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसकी पत्नी का नाम था, भागमती। क्या नाम था इसकी पत्नी का? नाम भागमती नाम था। इस भागमती के सम्मान में, हैदराबाद को इसने राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? भागमती के सम्मान में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भागमती के सम्मान में हैदराबाद को राजधानी बनाया। और ध्यान दीजिए, और यहीं पर उसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में ही उसने चार मीनार, ठीक है, इसने चार मीनार का निर्माण कराया था। और ये निर्माण 1591-92 में मिलता है, ठीक है। चार मीनार का निर्माण करवाया हैदराबाद को। राजधानी इसने कब बनाई थी? तो राजधानी इसने बनाई थी 1589 में, हैदराबाद को राजधानी बनाया। और 1591 में हैदराबाद को, हैदराबाद में उसने चार मीनार का निर्माण करवाया था। और चार मीनार का जो निर्माण करवाया, यहां पर इसको किस रूप में कराया था? वर्गाकार के रूप में। तो ध्यान देना, वर्गाकार के रूप में इसका निर्माण कराया, ठीक। और यहीं पर उसने नक्काशी कराई, नक्काशी मतलब पच्चीकारी कराई। और यहां पर फूलदान, क्या है यहां पे? यहीं पर इसने नक्काशी कराई थी और यहीं पर चीनी फूलदान, चीनी फूलदान भी बनवाया था। ये क्या है चीनी फूलदान? ये एक तरह से चारों कोनों पर फूल जैसी चीजें यहां पर डिजाइन बना करके, पत्थर की बनवा करके उसने किस तरह से चीनी फूलदान करवाया। नक्काशी कहते हैं पच्चीकारी, इसको क्या कहते हैं? नक्काशी बोलते हैं, पच्चीकारी। तो पच्चीकारी कैसी? महीन पच्चीकारी करवाई थी उसने, ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, इसके अतिरिक्त मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण तो कराया, यहीं पर उसने हैदराबाद में, यहीं पर उसने मक्का मस्जिद, कौन सी? मक्का मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तो मक्का मस्जिद का निर्माण भी इसी को कराने का श्रेय जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय स्थापक पर भी काम हुआ है और चित्रकारी पर भी काम हुआ है। तो ध्यान रखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय गोलकुंडा में, यानी कहा गोलकुंडा में, अधिकतर पट चित्र बनते थे। क्या बनते थे? पट चित्र। तो ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा में पट चित्र बनाए जाते थे। ये जो पट चित्र है, पट चित्र मतलब आप जानते हैं, इस पर कपड़े पर, कपड़े पर जो चित्र बनते हैं उसे पट चित्र कहते हैं। और ये पट चित्र कहां भेजे जाते थे? ये ईरान भेजे जाते थे, ठीक है, ये ईरान भेजे जाते थे। जो चित्र भेजे गए उन्हीं में से एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है, और उस चित्र का नाम है, मैना और नारी। पट चित्र में बना गोलकुंडा में दक्कन शैली का महत्वपूर्ण चित्र मैना व नारी। कौन सा चित्र? मैना व नारी दक्कन शैली में कहां बनाया गया? तो आप कहोगे गोलकुंडा में बनाया गया। गोलकुंडा में यह चित्र बनाया गया, मैना व नारी। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में कहां है? तो याद कर लीजिएगा,
अंतर व्यक्ति संग्रहालय, बताओ कहाँ ये, किसको मालूम है? चेस्टर ऑन द आयरलैंड सर, डबलिन आयरलैंड, चेस्टर व्यक्ति संग्रहालय, बंद कर दीजिए, बिल्कुल सही है। कहाँ है ये? चेस्टर व्यक्ति संग्रहालय आयरलैंड में। ये चित्र महिला व नारी वाला चित्र आज भी वहां पर सुरक्षित है। आइए इसी तरीके से एक और चित्र हमको मिलता है कुली कुतुब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय, उस चित्र का नाम भी देख लें, वो चित्र कौन सा था इसी के समय पट चित्र में, इसी के समय कपड़े पर बना पट चित्र यानी पट चित्र, और उस चित्र का नाम है पांच पांच नाचने वाली महिलाएं का चित्र, चित्र लिखी दिया हमने, ये पट चित्र में है पांच नाचने वाली महिलाएं, तो ध्यान रखना ये किसमें है। तो ये चित्र जो आपका बनाया गया है तो आप कहोगे ये चित्र जो है दक्कन शैली में तो है लेकिन कहां बना है, आप कहोगे ये गोलकुंडा में बनाया गया था। क्या नाम है? पांच नाचने वाली महिलाओं का चित्र। ये चित्र जो है ब्रिटिश संग्रहालय, ये कहां है? ब्रिटिश संग्रहालय बर्मिंघम। हाजी क्या कह रहे हो? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये आज भी ये चित्र हमारा सुरक्षित है, तो ध्यान रखिएगा ये चित्र आज भी हमारा सुरक्षित है। इसी तरीके से इन्हीं के समय एक और चित्र बना था, वो भी देख लेते हैं, अरेबियन, उस चित्र का नाम क्या है? एक अरेबियन घोड़ा, एक अरेबियन घोड़ा का चित्र, ये भी काहे में बना है? तो पट चित्र। तो गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है? पट चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना एक अरेबियन वाला चित्र भी जो है ये गोलकुंडा में बनाया गया था, जो महत्वपूर्ण चित्र है। इसी तरीके से बहुत सारे चित्रकार आए होंगे लेकिन उनको हमको उनसे मतलब नहीं है, जिन्होंने जो इस पर काम किया है उस शासक का नाम खाली हम लेंगे। इसी तरह के शासक का नाम है अबुल हसन तानाशाह, अबुल हसन तानाशाह, इसके समय रागमाला का चित्र, गोलकुंडा में रागमाला का चित्र हुआ था, इसका इसके समय अबुल हसन के समय रागमाला का चित्रण किया गया था। और ये जो रागमाला का भी चित्र है इसमें सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया, किस रंग का? सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये चित्र कहां सुरक्षित है इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं इसी गोलकुंडा में ही एक चित्र बनाया गया था, पोथी चित्र, पोथी, क्या लिखा मैंने? गोलकुंडा में एक चित्र बनाया गया था पोथी में, पोथी चित्र आप जानते ही, क्या होता है पोथी? मतलब ताड़पत्र। तो गोलकुंडा में एक चित्र बनाया गया था, पोथी का मतलब होता है ताड़पत्र पे बना चित्र, ताड़पत्र पे, ताड़पत्र पर बना चित्र। गोलकुंडा में एक चित्र बनाया गया था ए प्रिंस ऑफ हॉकिंस, उस चित्र का नाम क्या है? ए प्रिंस ऑफ हॉकिंस, ए प्रिंस ऑफ हॉकिंस, ए प्रिंस ऑफ हॉकिंस, ये चित्र दक्कन शैली में बनाया गया था, तो ध्यान रखना ये प्रिंस ऑफ हॉकिंस। ये चित्र वर्तमान में कहां है? तो कहेंगे ये चित्र वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, ये चित्र आज भी सुरक्षित है। हॉकिंस कौन था? हॉकिंस एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारी था जो यहां पर आया था 1608 में, ये जहांगीर के दरबार में गया था, तो जहांगीर के दरबार में आगरा में मिला था, तो वहां पर इसने जो जहांगीर को जो भेंट किया था वो समुद्री कोयला भेंट किया था। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, इसने समुद्री कोयला वहां पर उसने भेंट किया था, और बाद में दक्कन
क्योंकि मछलीपट्टनम पर इसने अपनी फैक्ट्री 1611 में इसने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सीधी सी बात है कि 1611 के आसपास जो है ये चित्र बनाया गया प्रिंस ऑफ हॉकिंस के नाम से, और ये कहां बना था, दक्कन बना था। दक्कन में कहां बनाया गया था, दक्कन में, विशेष रूप से ये मछलीपट्टनम में ये चित्र किस शैली में, तो कहेंगे दक्कन शैली में ये चित्र बनाया गया होगा, क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, गोलकुंडा पर 1686-87 में, गोलकुंडा पर 1686-87 में औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, इसलिए दक्कन शैली जो है वो मुगल शैली में विलय हो गई। दक्कन शैली मुगल शैली में विलय हो गई, दक्कन में कहानी सी खत्म। अब बात करते हैं हम लोग अहमदनगर, अगले जो शैली की बात करते हैं वो अहमदनगर की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के आधार पर जो है कुछ चीजें गलत दी जाती हैं, और जैसे देखो होता क्या है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता देता हूं। जैसे क्या होता है, जब कलम हिस्ट्री की बात आती है तो मैं इतिहास किताबों को छानता हूं, जब इतिहास में कला की बात आती है तो मैं कला की बातों को देखता हूं। ये मेरा फंडा है। मेरा फंडा क्या है कि जब मैं अगर मैं कला पढ़ा रहा हूं और कला में हिस्ट्री का पोर्शन आता है तो मैं इतिहास की किताबों के आधार पर लेक्चर देते हैं, और अगर जब कला की बात हिस्ट्री में जब कला की बात आती है तो फिर मैं कला इतिहास को से नहीं देखता, फिर मैं कला की किताबों से देख के बताता हूं इतिहास में। तो इसीलिए कुछ ना कुछ कला में और इतिहास में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर दिख जाता है, और कोई बात नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं, और अगर किसी को ये जानना है कि सर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कला और इतिहास में क्या क्या अंतर है, तो वो भी मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ जबानी बात करना, नहीं, हम किताबों के आधार पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अब बात करते हैं अहमदनगर का जो संस्थापक है उसका नाम है मलिक अहमद। इसका जो संस्थापक है मलिक अहमद निजाम शाह, मलिक अहमद निजाम शाह हुसैन, क्या नाम है इसका जो संस्थापक है वो नाम है मलिक अहमद निजाम शाह, ये पूरा नाम है, ठीक है, हुसैन चाहे डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मलिक अहमद हुसैन शाह। अहमदनगर जो ये स्थापित हुआ है ये 1490 में ये स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था, तो इसको अहमद शाह ने स्थापित किया था। कौन, अहमद शाह के द्वारा अहमदनगर स्थापित किया गया था। बाद में ये भी 1512 ईस्वी में ये भी स्वतंत्र हो गया, क्योंकि सारे जो स्वतंत्र हुए थे वो 1512 ईस्वी में ही स्वतंत्र हुए थे। अब क्योंकि ये निजाम शाह नाम था, इसीलिए जो वंश यहां पर चला, वो निजाम शाही वंश के नाम से, यहां जो वंश चला वो निजाम शाही वंश के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, यहां जो वंश चला है वो निजाम शाही वंश के नाम से जाना गया है। फिर इसकी 1565 में इसकी मृत्यु हो गई, 1565 में इसकी यानी ये शासक की मृत्यु हो गई। तो इसके मृत होने के बाद अहमद निजाम शाह का अल्प वयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था मुर्तजा। क्या नाम था, मुर्तजा नाम था। अब अल्प वयस्क था तो इसीलिए बागडोर किसके हाथ में थी, इसीलिए बागडोर जो थी वो राजमाता, ठीक है, राजमाता। उस राजमाता का नाम क्या है,
तो ध्यान रखना खानजादी हुमायूं, उस राजमाता का नाम है खानजादी हुमायूं, उस राजमाता का नाम है खानजादी हुमायूं, यानी खानजादी हुमायूं की बागडोर इसके हाथ में थी, लेकिन शासक किसको बनाया गया था? मुर्तजा को बनाया गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम होगा किसके समय कहलाएगा? तो मुर्तजा का समय कहलाएगा, भले ही चाहे इन्होंने काम करवाया हो। तो खानजादी हुमायूं ने अपने पति के सम्मान में, ठीक है, यानी मुर्तजा के शासनकाल में खानजादी हुमायूं राजमाता ने एक ग्रंथ, एक काव्य ग्रंथ का निर्माण कराया था, ठीक है, और उस काव्य ग्रंथ का नाम था तारीफ हुसैन शाही। क्या नाम होता है? तारीफ हुसैन शाही, ध्यान रखना, तारीफ ए हुसैन शाही, हुसैन तारीफ हुसैन शाही, तो ध्यान रखना क्या नाम है, तारीफ हुसैन शाही। ये इन्होंने तारीफ यहां पर किया है, सॉरी तारीफ ए यहां पे हुसैन शाही के साथ। तो ये काव्य ग्रंथ की जो रचना है वो खानजादी हुमायूं ने इसका निर्माण कराया था, और इसमें इस ग्रंथ में 12 चित्र मिलते हैं। कितने चित्र मिलते हैं? इसमें 12 चित्र मिलते हैं, ठीक है, अधिकतर मिलते हैं, अधिकतर युद्ध संबंधी, किससे हैं? अधिकतर युद्ध दृश्य चित्र हैं। ध्यान दें, इसमें अधिकतर कौन से हैं? युद्ध दृश्य संबंधी इसमें हमें चित्र मिलते हैं। तो ध्यान रखना युद्ध दृश्य चित्र मिलते हैं। लेकिन इस ग्रंथ का सबसे प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, और उस चित्र का नाम है, कौन सी बेगम है? गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह। तो ध्यान रखना गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह, ध्यान रखिएगा, कौन सा चित्र मैंने बता रहा हूं? गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह, ये इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। तो ध्यान रखना इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो कौन सा? गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह। इतने चित्र मिलते हैं, 12 चित्र मिलते हैं, किससे संबंधित? युद्ध दृश्य संबंधी हमें यहां अधिक मिले। इसके अलावा एक चीज और देख लें कि तारीफ हुसैन शाही में हमें इसका प्रभाव मिलता है, तो हम कह सकते हैं मुगलों का प्रभाव इसमें नहीं मिलता है, इसमें हमें किसका मिलता है? तो कहेंगे ईरानी शैली का प्रभाव मिलता है। और इस ग्रंथ की, यानी तारीफ हुसैन शाही के ग्रंथ की जो तुलना इसकी जाती है, इस ग्रंथ की तुलना की जाती है, वो उस ग्रंथ का नाम है नियामतनामा। कौन सा ग्रंथ है? उस ग्रंथ का नाम है नियामतनामा, मालवा का, कहां का है? मालवा का ग्रंथ नियामतनामा, नियामतनामा, या कहेंगे नियामत भी देते हैं, तो नियामतनामा इस ग्रंथ से इस ग्रंथ की तुलना की जाती है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? नियामतनामा। तो हमें एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो तारीफ हुसैन शाही में जितने भी चित्र हैं इसमें भी सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है, इसमें सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो आप लिख लीजिएगा इसमें सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। और वर्तमान में ये जो ग्रंथ है वो कहाँ है? तो आप कहोगे कि ये भारतीय इतिहास संशोधन मंडल, मैंने आपको पढ़ाया था कल, कौन सा है? भारतीय इतिहास संशोधन मंडल, भारतीय इतिहास
संशोधन मंडल, मैंने बताया कहां ये पूना में ग्रंथ क्या है सुरक्षित है। तो ध्यान रखना ये चित्र कहां सुरक्षित, ये ग्रंथ कहां सुरक्षित है, तो भारतीय इतिहास मंडल, भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पूना में ये ग्रंथ सुरक्षित है। इसके मुर्तजा का एक भाई था जिसका नाम था बुरहान सेकंड, ध्यान रखना मुर्तजा का एक छोटा भाई था, मुर्तजा का छोटा भाई जिसका नाम था बुरहान सेकंड, ये था। तो अपने भाई रागमाला ग्रंथ का चित्रण करवाया था, चित्रण कराया भाई को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन भाई को गद्दी चाहिए थी, छोटे भाई को बुरहान सेकंड को गद्दी चाहिए थी। वो गद्दी पाने के लिए वो सीधे चला गया केंद्र, और उस वक्त केंद्र जो था वो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह जिसका नाम था अकबर, अकबर के पास चला गया। अकबर के बाहर जाने के बाद अकबर ने यहां यानी अहमदनगर पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, ध्यान रखना अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, यानी अकबर का अहमदनगर पर, बादशाह अकबर का अहमदनगर, अहमदनगर पर कब्जा हो गया। जब अहमदनगर पर इनका कब्जा हुआ तो कब्जा हुआ तो इसको अपने अधीन करके गद्दी पर बैठा दिया, किसको, बुरहान सेकंड को, बुरहान सेकंड शासक हुआ। इस शासक के समय का सबसे प्रमुख चित्रकार जिसका नाम था कवि जहूरी, क्या नाम है, उस चित्रकार का नाम था कवि जहूरी, ध्यान देना बुरहान सेकंड के समय का सबसे प्रमुख चित्रकार का नाम था कवि जहूरी। और इस कवि जहूरी ने, ध्यान मेरी बात को देना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दक्कन शैली में पहला व्यक्ति चित्र या कह दें हम छवि, क्या कह सकते हैं, व्यक्ति चित्र या छवि। तो चित्रकार का नाम मैंने बताया कवि जहूरी, जो दक्कन शैली में पहला व्यक्ति चित्र छवि इसी ने ही बनाया था, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर क्वेश्चन आता कि दक्कन शैली में सबसे पहले किस चित्रकार ने जो है व्यक्ति चित्र बनाया, नहीं व्यक्ति छवि, इसको क्या कहते हैं, इसको फारसी में कहते हैं छवि बनाया था, ये व्यक्ति चित्र बनाया था, तो हम उसको तो कह सकते हैं कवि जहूरी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरा किस व्यक्ति ने दक्कन शैली में चित्र बनाया था, तो दक्कन शैली में दूसरा व्यक्ति चित्र यानी छवि जिसने बनाया था उस वो 1618 में जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन शैली कौन सी थी, दक्कन शैली में, और उस चित्रकार का नाम था, मैंने पढ़ाया था आपको, फारूख बेग, क्या नाम था, फारूख बेग। फिर धीरे धीरे ये पहले अधीन थी दक्कन, और बाद में यहां पर मुगलों का अधिकार हो गया, और ये जो दक्कन शैली थी वो बीजापुर, अहमदाबाद, ये सारे जो हिस्से थे वो मुगल में मिल गए,
और इस तरह से इन शैली भी जो दक्कन शैली वो मुगलों में विलय हो गई। ये आज क्या जो मैंने आपको गोलकुंडा और किसके बारे में अहमदनगर, ये दो चीजें आपको हमने पढ़ा दी, आज से यह आपका कंप्लीट हो गया। यहां से कभी क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैंने बहुत ही मतलब बहुत डीप में जाके नहीं बताया, जनरली जनरली चीजें आपको बता दी हैं। लेकिन अब जो चीजें आएगी वो आपका मुगल है, और मुगल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको डीप चीजें मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी क्लास कल से चलेगी। तो चलिए, क्योंकि 10 मिनट बचा है अभी, आज की क्लास इतनी है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद। सर जी नमस्ते। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।